ते कोरी साहब नाल बैठे ने इन्हों लोगों का बड़ा योगदान है डिस्ट्रीब्यूटर का पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इस जगह पर पहुँचाने का। तुसी लोगों ने बड़ा कुछ लिखिया, बड़ा उत्साह दिता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को। कोई मेरा सपना होता सी कदे कि पंजाब के लिखारी, पंजाब के एक्टर, पंजाब के चीज़ा, पंजाब की खुशबू, वो अज थोड़े सारिया के मदद के नाल एक बहुत प्रफुल्लित होया और दुनिया भर के अज पंजाबी फिल्मों की गल हो रही है। मैनू भी काम करते करते 52 साल हो गए, चिट्टा दाड़ा पग बन के काफ़ी किरदार मैं किए और मैं बड़ा फख्र महसूस होता है। उस अकाल पुरख की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है। लेकिन आज भी फिल्म सरदारन सांस मेरे हिस्से आई तो मैं एकदम ऐ लगे जिमें सारा सारा जहाज का बोझ मेरे सिर पर आ गया, क्योंकि वह सारी कहानी जी है, किरदार है, वो सारी फिल्म जी है आले दुआले घूमती है। और मैं समझता कि पहला बड़ी बड़ी स्टारकास्ट का काम करते थे, एक्टर का काम करते थे, सारी स्टारकास्ट इतनी भी बहुत बड़ी है, बड़े एक्टर ने, पर बेसिकली जो किरदार है वह एड्डा वड्डा है कि बागबान पिक्चर देखी होगी, इस फिल्म देख के मुझे बड़ी याद आती है, बड़ी इमोशनल फिल्म है, अपने परिवारिक फिल्म है। तुसी सारे देखने जाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जेडे आप इतों जमीन बेच के, घर परिवार बेच के आप बाहर जाने, मैं पिछे जो मौका मिले 5-6 साल तो गुरु महाराज की कृपा ना थोड़े आशीर्वाद ना कि बड़ी दुनिया घूमी, बड़े लोगों मैं इंटरैक्ट किया, बड़े बच्चों को पंजाबी बोलनी सिखाई, गुरबाणी सिखाई, अपने धर्मों में जोड़िया। पर इस फिल्म देख के हमेशा ही मैंने महसूस होया कि जब मैं डबिंग कर रहा सी तो शायद कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं सी जिथे मेरी अख चो हंजू ना आए हो, और मैं महसूस होता सी कि यह साडे पंजाब की खुशबू, साडे पंजाब के परिवार की कहानी है। बच्चों को हम भेज दें उत्थे जाके उन्होंने की हाल होता, शायद तुम मेरे को ज़्यादा जानते हो क्योंकि तुम मानसिक लोग हो, उत्थे जाके बुजुर्गों का की हाल होता वह भी मैं सीरीज देखिया। सो जब कहानी आई सी और एक किरदार मैं कर रहा सी तो मेरी पहली एक इच्छा सी, और अमन ने मैं ये गल कही सी भी मैं फिल्म चादरा कुर्ता नहीं लाना, अपनी पंजाबी ड्रेस नहीं लानी, तो किरदार ही उदा नहीं बन गया। सो आई थिंक इन्ना खूबसूरत पिक्चर है, मैं ओरी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि और सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस वास्ते एक शो जोड़ा है वो जरूर रखा करो ताकि वो सारी फिल्म देख सकन। ये मेरी बेनती है डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, प्रोड्यूसर के सामने, क्योंकि थोड़ा फिल्म देखना बहुत जरूरी है। तुम अपने परिवारों ने लिया के फिल्म देखोगे तो थोड़ा महसूस होगा कि आप पंजाब छड़ के क्यों जाइए, क्यों जमीन वेच के जाके उ अपने पुतों जा गड्डिया लैके दईए तो यही वेट करते रहन कि मेरा बापू आऊगा जी 10 किले बेचूगा तो पैसे आने तो मैं आह काम करूँगा। कोई कम है आप सारे ने अपना ही हाल बना लिया। लेकिन इस फिल्म में जब असी लिख रहे थे, कर रहे थे और सारे मुआजब एक्टर नाल सी, चीमा जी सी नाल, रोशन जी सी नाल, होर बड़े मुआजब नवे नवे एक्टर जो उगे ने कैनेडा तो काम कर रहे थे, महसूस कर रहे। मेरी जिंदगी की शायद एक ऐसी फिल्म है जिन्हों मैं समझूंगा कि मैं तरसता सी कि यह रोल मैं जिंदगी मिले और मैं कोशिश की निभाने की। ओरी साहब का बहुत धन्यवाद है, पंकज जी का, अमन का, सारे का। हाँ जी, पंजाबी आ वास्ते फिल्म एक्चुअली बेसिकली देखा जाए ना तो फिल्म अपने वास्ते जो पंजाब के लोग रह रहे हैं। और मैं ये सुनेहा कि तुसी थोड़े पुत्र चले गए, तुसी धियां भेजती, पुत्र भेजते, उन्होंने उत्थे अपना बड़ा मेहनत करके बना लिया। हरेक बंदे नूं मेहनत करके अपनी चीज़ा बनानी चाहिए, यह जद्दियाँ ज्यादातर जद्दियाँ चीज़ा कुछ तो मिल जाएं ने, यह हमेशा बच्चों को खराब कर दें। मैं समझता कि बच्चों को पढ़ा लिखा के जिते मर्जी भेजो, अपने देश रखो, कुछ भी करो, IAS बनाओ, PCS बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ, हर दुनिया कमाओ ताकि वह सियाणा हो, भेजो उत्थे। लेकिन तुम बजुर्ग लोग अपन प्रॉपर्टियां बेच के उत्थे की करन जाने, पहले मैंने दसो क्यों धक्के खाने जाके, एक तो थोड़े को रहा पिछे कुछ नहीं। सो पंजाब दे विच जो हाल तुसी मैं ज़्यादा जानते हो कि हो रहा है, घर घर के हाल है, आपे के बजुर्गों मैं बाई जी रोंद देखे, तुम यकीन करो जो मैं आस्ट्रेलिया सगा उ घर मेरी बेटी है धर्म की बनी हुई वर्षा, उन्होंने मैं सारे ने मनाया, मैं उत्थे बजुर्ग रोंदे देखे, बजुर्गणियां रोंदिया वेखदियां जप्पियां पा पा के भी सानू पुत्रा घर लै चल कि असीं इत्थे क्यों आए। सो मैं इस फिल्म च यही एक सुनेहा दिता है कि अपनी झुग्गी बेशक छोटी होवे, वो झुग्गी झुग्गी हुंदी है, महलां नूं देख के अपने घर नहीं ढाई दे, सुनेहा आ।
इस फिल्म दे विच तुहानूं पता लगूगा जब तुसीं देखोगे कि की किन्ना कुछ साडे नाल जातियां हो रही ने बजुर्गों के नाल हुण घर दे माहौल उत्थे जे सारे काम नहीं करने काम नहीं चलता तुसीं जाके वेलियां रोटियां नहीं खा सकते। मैं तुहानूं बड़ी हादसे की गल सुणाउणा असीं आस्ट्रेलिया सीगे किसी के घर चले गए एक बंदा बाथरूम साफ कर रहा मैं की हाल है बोलिया और कहता योग भाजी कहता हाल है हिंदुस्तान ही चंगा सी पंजाब ही चंगा सी मैं क्यों आ मैं कहा जे इतने पॉट साफ करता घर नहीं होंगे घर तक तो बापू तू पानी तो गिलास नहीं दिता तो इतने आके मैं कहा तेन $4 पिछले काम करना पैंता। सो मैं गल कहना कि तुम अपने बच्चों इतने पढ़ाओ इतने करो और झुग्गिया तो महल बनाने का स्वाद है महलों तो महल बनाने का की रौला है मैं तो यह समझता आही कहानी है ऑस्ट्रेलिया ने हाँ जी हेलो कोड़ी साहब मैं सारे फिल्म के कनेक्टिविटी हो जाएगी और फिर जो है सर स्वागत करो।